Thomas, you mentioned a little while earlier that there was a shift in the committee, right? Yeah. So what's the status on the present committee? They're still there. Where are they staying? No, now their houses are demolished, no, because they were on the floor, no, they were okay. There only. They said, we are not going to budge because of that litigation, what they had, the problem what they had. Okay. So now by force, because the High Court order was there, yeah. Understood. As per the High Court order, their houses were demolished. How many members do you have in that committee? Committee in the sense, the total members or only the working committee? The working committee. Five, six members. Anyone representing the working committee? No. Those people have not come here. Yeah, okay. All right. Actually, those are representatives, nobody is not. Anita is not in the committee. She is not supposed to represent the committee. She is talking on behalf of the committee, everything. Yeah. Forwarding everything. Munna is a secretary. Okay. He also cannot become a secretary. That is not my listing. And how they become debtor down to this thing. That is a different story. That will take hours and hours. Yeah. So what I mean to say, Anita cannot represent. Her husband is a joint secretary. Which he is not giving his word, nothing. Only decision has been taken by two people, whatever the thing has to happen. So I understand here that you're expected. Okay, so I understand here that your expected outcome in the entire project is to have the project moving on, right? Okay, so where does the existing committee stand? What's their stand on this? Which existing committee, they only did that. Okay, they went to the court and all that. No, from 2011, they had gone to the court. Actually, so you can clear this out. 2004 में आपका हमने इलेक्शन किया था. Correct. तो हम लोग मैं उसके अंदर ऑपोजिट कमेटी में था, उनके साथ में था. मैं इसलिए उसके साथ में था क्योंकि हमको ये हमारे सामने ये प्रोजेक्शन किया गया कि ये वो इलेक्शन हो गया, वो 2010 में 10 में ना 2010 2004 में हमारा हो गया था. वो नहीं, 2010 में हमारा इलेक्शन. 2010 या व्हेन दैट ही वाज देयर, या ही गिव अ गुड पिक्चर. आई वाज इन दैट, आई वाज इन देयर साइड, इन देयर साइड, ऑपोजिट साइड टू कांग्रेस. इनका कमेटी के अगेंस्ट में थे. हमारे को जो पिक्चर दिखाया गया था कि भाई ये गलत है, इन्होंने पैसा खाया, ये सब खाया, ठीक है. हमने बोला हम लोगों को प्रोजेक्ट करना था. हमारा आज भी मतलब यही है कि हमको प्रोजेक्ट करना था. इसके पहले एक दो साल से हम लोग साथ में थे. हमने कमेटी, सेक्रेटरी, सबको हमने समझाया, चेयरमैन को समझाया, मगर सबका मुद्दा अलग है. वहां पर सबको सब कुछ अलग चाहिए. किसी को एक पान की दुकान का एक दुकान चाहिए, किसी को एक जगह का तीन जगह चाहिए. ये हम लोगों को नहीं चाहिए. हम लोगों को एक का एक ही चाहिए. हमारा जो है, व्हाट इज माइन आई वांट दैट. आई डोंट वांट एनीथिंग एक्स्ट्रा, आई डोंट वांट एनीथिंग लेस. मुझे ना मैं एक इंच ज्यादा कम लूंगा और ना एक इंच ज्यादा लूंगा. सो यू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस? हम लोग बहुत ईमानदार है, विल डू, एकदम हम लोग का सही होगा. बट जब हम लोग का द टाइम केम, उन लोग एकदम पलटी खा गया. बिकॉज वी वॉन्टेड टू डू, हम लोग को कोई ज्यादा नहीं चाहिए. हमको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए. हम लोगों को हमारा दुकान है, दुकान मिलेगा हमको, और एक्स्ट्रा नहीं चाहिए. हमारा जो भाड़ा तय करेगा बिल्डर देगा. हम 20 साल से मेरे पास 1992 का मेरा जो मैंने जिससे घर लिया था वो मेरे भाई रखते थे. ही वॉज माई एल्डर ब्रदर इन रिलेशन विद मी. एंड आई हैव दैट एग्रीमेंट ऑल्सो ऑफ 1992 विद द ओल्ड बिल्डर, जो हमारा प्राइवेट लैंड के साथ में हुआ था. आई डू हैव दैट सेम थिंग. तो आई स्टे इन खार ओनली, सो आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस सोसाइटी ऑल्सो. तो आई नो दरिसा ऑल्सो, एंड उन लोग अच्छा आदमी लोग था. हम लोग डायरेक्ट जाके हमने बात किया. आज हमारा तकलीफ ये है कि आज हमारा चीज चला गया ना, बिकॉज ऑफ देयर. इन लोग क्यों लड़ रहे हैं? वाई दे वॉन्ट टू फाइट? ये तो हम सवाल पूछते हैं उनसे. हम लोग आपसे भी हम पूछते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि हम लोग का इतना लोग है, हम लोग का क्या होगा? उन लोग वहां बैठे क्यों बैठे हैं हमको मालूम नहीं है. कौन है अनिता पिंटो हमको मालूम नहीं है. वो हमारा मुंह नहीं है हमारे लिए बोलने के लिए. हम लोग सब एक एक आदमी, हमारे पास एक एक मुंह है. वी कैन टॉक अबाउट आवर हाउसेस. हमारा एक घर हमारे लिए है. हम लोग सब अपने घर के बारे में बात कर सकते हैं. हु'स आफ्ताब सिद्दीकी, हु'स अनिता पिंटो, आई डोंट नो. ओके, सो थ्रू ऑल दिस हियर सर, वी हैड पेड 30,000 rupees. दे हैड चार्ज 30,000 rupees ईच फ्रॉम एवरीबॉडी. जब हमारा यहाँ हमारे ओल्ड कमिटी थे, हमारा जो 30,000 rupees, मैंने प्रोटेस्ट किया कि 15,000 rupees आपका, आपने 15,000 मेरे से लिया है. दे हैड टेकन 15,000 फ्रॉम मी. द डे आई आस्क्ड व्हाई यू हैव टेकन द मनी, एंड फॉर 4 इयर्स, फ्रॉम लास्ट 4 इयर्स
नरेश भाई फ्रॉम 2004 से अभी तक फ्रॉम लास्ट फोर ईयर्स इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया था। मैंने पूछा आपने चार साल के अंदर हमारा नाम तक आपने चेंज नहीं कराया, आपके साथ आपका आपके एमएलए थे, सब कुछ था, आप लोगों को करना चाहिए था काम, आप लोग इतना दिन तक इन लोगों को गाली दे रहा था, अब तो तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, तो मैं तुम्हारे लिए क्यों खड़ा रहूं? और हमारा इंटरेस्ट क्या आज? आज वो बिल्डर बोलता है बनाना है तो बोलते हैं हमको विश्वास नहीं है। किस बात का विश्वास? क्या विश्वास किया? उनका डिपॉजिट्स है, उनके सब पेपर्स है, सब कुछ हमने देखा, आपको खाली गालियां देना है, आपको खाली सब नौटंकी है। Okay, Thomas, to get back to the original objective that we were asking, okay, let us understand from here that the expected outcome from here is that you want the project on, correct? Yes, from day one. Okay, all right, two. So what are the internal obstacles in here? Would you like to specify that? No idea. That's what Dave was saying. I was telling you. You know best. So we were also there because Thomas or Inka jo committee was their committee. They had wo log dur ho gaya. But we were there. We used to sit there. We used to talk to them. Yeah. Means, agar my name is there in the election, so I should get that thing. But anything extra, how can the builder give? Or 44 people name was there in the election, and three were the. Okay, so this would benefit all of y'all, am I right? Yeah, absolutely. Yeah. So is it going to affect anybody else when this doesn't happen? Nobody will have that. Okay, so would you like to specify to us where exactly is it stonewalled? What's happening? Regarding your project? Kal can answer that. So let's get to the next segment, Mark. Yeah, okay. Correct? Let's get to